नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सरफ मित्र और आज हमें कॉल आई है कि एक सांप है जो कि स्कूल के अंदर है, प्राइमरी स्कूल के अंदर, गांव दुलखरा के अंदर, और देखते हैं उन्होंने जिसने देखा तो उनसे भी आपके बात कराते हैं। भैया जी बता दो। हाँ भैया, मैंने देखो यहाँ पे हो फील्ड में तो यहाँ घुसो कमरा में। अभी मैंने फिर इनको फोन करा, निकाल के दिखाते हैं सांप को और वीडियो में अभी बने रहिए। आइए यहाँ पे हो तो यहाँ या फिर हल्ला तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बच्चे उसके बीचों ये देखने के लिए। और कहाँ पर इसमें राजस्थान के पीछे इसके उसके यहाँ पीछे हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से वो बैठा हुआ है, जो कि इसके अंदर खाने के लिए रहता है गेहूं और चावल, जिनको चूहे खाने की वजह से रात्रि में आता है यहाँ पर, जो दिन के टाइम में तो बहुत ना के बराबर देखने को मिलता है। ये रात्रि में भोजन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेंढक, चूहे इनका फेवरेट शिकार होता है। टंकी रखनी है, निकाल के दिखाते हैं आपको। टंकी है इंडियन कॉमन कहे, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है। इसका जो सबसे बड़ा बेस्ट साइज यही होता है, इससे थोड़ा बहुत और चलता है, जैसे कि 6 इंची के लगभग, और बड़ा साइज हो सकता है इसका। और इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट किलर इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि अगर ये किसी इंसान की बॉडी के ऊपर से निकलता है और इंसान थोड़ी भी मूवमेंट करेगा वो ये फरना फौरन बाइट कर लेगा उसके लिए। और इसका जो होते हैं, इस पर 3 पैटर्न होते हैं, 3-4 पैटर्न का होता है ऐसे। और इसी के साथ हम इसको पैक करते हैं। ये भारत का सबसे जहरीला सांप है, इसका काटा नहीं बचता है। अभी मंगलपुर में काट रहे कैसे नहीं। दोस्तों अब इसको पकड़ने के बाद मैं आपको इसके दांत दिखाऊंगा, कितने बड़े और कितने वेट साइज के होते हैं। एक झाड़ू की चीज़ें की चीज़ें दूँ। दोस्तों आप इसके दांत भी देख सकते हैं, देखिए काफ़ी पतले नुकीले और पैने होते हैं, जिसको काटने के बाद में ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ततैया किसी मोहर ने बाइट किया हो। आप देख सकते हैं ये इसके दांत हैं जो कि इंसान को बाइट करते हैं या किसी जानवर को बाइट करते हैं, अपने शिकार के लिए बाइट करते हैं। और इसी के साथ अब इसको डिब्बे में पैक करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें ऑक्सीजन के लिए सुराख किए हुए हैं जिनसे ये ऑक्सीजन सांस लेता रहे बरकरार। और इसी के साथ अब इसको देखते हैं जंगल में छोड़ते हुए, कि वीडियो आपको दिखाएंगे और वीडियो में भी बने रहिए। दोस्तों अब आ चुके हैं जंगल के बीच में और निकाल के दिखाते हैं आपको इसको और जाने देते हैं इसे अब जंगल के बीच में, जो कि अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। खोलते हैं और निकालते हैं और दिखाते हैं आपको। दोस्तों देख सकते हैं आप कितने बिग साइज का है ये, और जो कि अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
दोस्तों ये भारत का सबसे जहरीला सांप होता है, इसका नाम इंडियन कॉमन करैत है, जो कि आप देख सकते हैं ये रात के टाइम में जो आपके बिस्तर के आसपास कर बरसात का मौसम होता है तो ये बिस्तर में आ जाता है इंसान के, इसको इंसान की इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आती है और ये उसी के पास में रात को उसके बिस्तर में सोता है। जैसे ही इंसान करवट बदलता है, जैसे ही करवट चेंज करते हैं फौरन उस पर बाइट कर लेते हैं, जिसके कारण उसको आभास होता है जैसे किसी ततैया या किसी मोहाल ने या फिर किसी मच्छर वगैरह ने काट लिया हो और वो उसको पहचान नहीं पाता। जिसके एक ये एक से डेढ़ घंटे के बीच में पेट में तेज काफ़ी दर्द होने स्टार्ट होता है और फिर अगर हॉस्पिटल में जाया जाए तो इसका 100% उपचार है और किसी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं है, वरना इंसान की मौत हो सकती है। और इसी के साथ अब इसको जाने देते हैं। और दोस्तों ये अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये अब गया।